स्मोक की बिगड़ती सूरतेहाल, लाहौर में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। 10 नवंबर को जुमे का हाफ डे फुल डे छुट्टी में तब्दील। स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। 11 नवंबर बेरोज हफ्ता मार्केटों को बंद रखा जाएगा। इकबाल डे और इतवार को सरकारी तातील। जुमा हफ्ता इतवार पार्क रेस्टोरेंट सिनेमाघर बंद। शादी हॉल टेक अवे होटल बेकरी फार्मेसी खुलेंगे। इतलाक सिर्फ तमाम हफ्ते के लिए होगा। पंजाब हुकूमत का बच्चों और बूढ़ों की सेहत पर भी फोकस। छुट्टियों में घर रहने या लाहौर से बाहर जाने का मशवरा। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। तामीराती सनत का पहिया भी नहीं रुकेगा। मजदूर दिहाड़ीदारों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम स्पीड के तूफानी दौरे, सुबह देखी ना शाम, काम काम और बस काम। बेदिया अंडरपास 70 रोज के रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार। डिफेंस वालों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। योमिया 1,20,000 गाड़ियां स्पीड से दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ लागत आई। वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा। ओवरहेड ब्रिज, अंडरग्राउंड क्रॉसिंग होगी, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। ट्रैफिक और ड्रेनेज का दरीना मसला हल होगा। 9 अरब 50 करोड़ लागत आएगी। सीओ सीबीडी इमरान अमीन की निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। सीवरेज के लिए हडियारा ड्रेन का भी बताया। 1 दिन गुजर गया, वाल्टन रोड नाला की दीवार तामीर न हुई। गंदा पानी सड़कों पर मौजूद, शहरियों को मुश्किल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। निगरान वजीर आला ने गाड़ी रोकी, उतर कर सूरत हाल का जायजा लिया। मुतलका इदारों को निकासी आप फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतजामिया के मुताबिक सीवरेज की बहाली में वक्त लगेगा। आवाम का पैसा आवाम पर खर्च। पंजाब हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए 4 माह का बजट जारी। जिना अस्पताल को 1 अरब 30 करोड़ रुपए मिल गए। जनरल अस्पताल 32 करोड़, पीआईसी 37 करोड़, गंगाराम 30 करोड़, सर्विसेज अस्पताल के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, किताब को अपना दोस्त बनाओ। लाइब्रेरी आना मामूल बनाओ। किताबें पढ़ो चाहे घर ले जाओ। लाहौर में प्राइमरी स्कूल कॉर्नर लाइब्रेरी का आगाज। पहले मरहले में शहर के 17 स्कूलों में लाइब्रेरियां कायम। छोटे बच्चों के लिए 1,000 किताबें रखी गई हैं। पंजाब के 36 सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी। डीजी खान, अटक और ढंकाना साहिब इंतजामात के लिहाज से सरे फहरिस्त। सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में लाहौर का 29वां नंबर। महकमे तालीम की रिपोर्ट ने कच्चा छटा खोल दिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के साथ वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के लिए 3 साल का मुआहदा कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी 2 माह के अंदर कार्ड्स की सप्लाई शुरू कर देगी। लाहौर में कराची और इस्लामाबाद की निस्बत कम कीमत रखी गई है। महंगाई की नई लहर, चीनी चावल घी की कीमतें फिर से ऊपर जाने लगी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 200 रुपये महंगा, कीमत 7,000 तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपये किलो में फरोख्त। दर्जे सोम घी का 16 किलो का कार्टन 500 रुपये तक महंगा हो चुका है। सर्दी अभी आई नहीं और गैस को ठंड लग गई। अवैस करनी रोड के मकीन 3 माह से परेशान। कहते हैं चूल्हे जलते नहीं, बिल रुकते नहीं, जाएं तो कहां जाएं? इतनी महंगाई में सिलेंडर कहां से भरवाएं? इलाका मकीनों की नारेबाजी। गुलबहार कॉलोनी अकेडमी रोड वाल्टन में भी एहतजाज। इच्छा में रेड़ी वाला चौक का सीवरेज सिस्टम खराब। गंदा पानी गलियों में जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री रोड कच्चा जेल रोड भी टूट फूट का शिकार। खड्डों ने नई गाड़ियों का हाल भी बेहाल कर दिया। वकला रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खत्म करो। लाहौर बार की कॉल पर सेशन कोर्ट में आज भी हड़ताल। वकला ने लाहौर पुलिस को अदालतों में दाखिले से रोक दिया। पुलिस की जानिब से घरों पर छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत। 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। एडिशनल सेशन जज नवीद कामरान लंगड़ियाल का लाहौर से मुल्तान तबादला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल बेग लाहौर से मेलसी ट्रांसफर। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद शकीब इमरान कमर और मोहम्मद वसीम अफजल मियां का लाहौर तबादला नोटिफिकेशन जारी।
आईजी पंजाब का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में फिंगर प्रिंट ब्यूरो का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस ने ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए ओवरसीज पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात, क्यादत लंदन बार ऑफ हेंसलो के मेयर अफजल केलानी ने की। वफ्द में बैरिस्टर रियाज गिल, साबिक मेयर लंदन समिया चौधरी और दीगर शामिल। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम की ब्रीफिंग। डॉक्टर जावेद अकरम से तुर्किया के वफ्द की भी मुलाकात, डॉक्टर आयान औस, शाहिद मंसूर, मोहम्मद बिलाल और तौकीर आबास शामिल थे। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से डेयरी एशिया एक्सपो टीम की मुलाकात, डेयरी एशिया एक्सपो 2023 के बारे में ब्रीफिंग, नुमाइश में शिरकत की दावत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर के जेर तरबियत अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, वफ्द को मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग में हवाए तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन कौंसल और कुल मसालिक मुशाइख ने कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। शुरका के मुर्दाबाद मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद किनारे मुस्लिम हुक्मरानों से फलस्तीन के मजलूमीन की मदद का मुतालबा। गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप मजमू नवेसी के मुकाबले हायर एजुकेशन और नैब ने अहतमाम किया। तलबा का इंसदाद बदउनवानी और करप्शन पर इजहार ख्याल। पाक पतन के मुजम्मल जमशेद की पहली पोजीशन, साहिवाल के मोहम्मद जावेद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोइन, प्रोफेसर हमाद नियाजी शरीक हुए। इंग्लैंड ने सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, 39 मिलियन पाउंड इमदाद दी। छत, साफ पानी और सेहत की सहूलियात में मुआवनत फ्राहम की। ब्रिटिश काउंसिल हेड ऑफ लाहौर ऑफिस क्लारा स्ट्रैंड की सिटी 42 से गुफ्तगु। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में आलमी कॉन्फ्रेंस, मुकर्रीन का इकबाल का फलसफा अमन और तरक्की पर इजहार ख्याल। इफ्तिताही सेशन में सूफियाना कलाम पर परफॉर्मेंस पेश, चीन ईरान भारत ताजिकिस्तान से मंदूबीन की शिरकत, डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर फरीहा काजमी ईरानी कौंसिल। बानी अंजुमन ताजान और पाकिस्तान हाजी मकसूद भट्ट की 13वीं बरसी, मॉडल टाउन में इसाले सवाब के लिए महफिल मिलाद। नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए, मुजाहिद मकसूद भट्ट ने तकरीब सजाई। जाहिद मकसूद, शाहिद मकसूद, अब्दुल्ला मुजाहिद, एहसन तनवीर, अदनान खालिद, मोहम्मद अली मियां समेत दीगर शरीक हुए। दरबार बाबा शाह जमाल में महफिल समा, कवालों ने कलाम पेश किया। लाहौर लाहौर फेस्टिवल की मुनासबत से तकरीब, महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने महफिल सजाई। ताहिर रजा बुखारी, आसिफ अली फारूक समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। पंजाब स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गाला फॉर स्पेशल पर्संस, ग्रीनबर्ग से 400 से ज्यादा खसूसी बच्चों ने फन का मुजाहरा किया। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और डीओ स्पेशल एजुकेशन मारिया इस्लाम ने शिरकत की।